पंजाब में अलग अलग जगह हो रही लगातार वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। आज बटाला देर शाम सिविल अस्पताल के नज़दीक कार में आए कुछ अज्ञात नौजवानों की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार तीन नौजवानों को पहले टक्कर मार गिराया और फिर उन पर तेज धार हथियारों से वार किया और फायरिंग भी की और हमला करने वाले वारदात को अंजाम दे मौके से फरार हो गए। जबकि इस मामले में एक नौजवान गंभीर रूप से जख्मी हुआ और वहीं पुलिस की तरफ से मौके पर पहुंच मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस जिला बटाला के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और DS सिटी सुच्चा सिंह ने बताया कि जख्मी नौजवान शेंकी बटाला के मॉडल टाउन का रहने वाला है और उसे इलाज के लिए अस्पताल दाखिल करवाया गया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है और जल्द ही हमला करने वाले दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुरदासपुर से अवतार सिंह के साथ संजय सैनी। भाई उत्थे उन्हें सारे ने सारे फैर कड़े जिन्हें भी उन्होंने को है अभी मां बचे हैं वह बंदा उत्थे रह गया उन्हें पहला आंदा गड्डी मारी बाद फिर उन्होंने मोटर बाइक से जान रहे अपने अं तीन तीन दोस्त सी हाँ जी तो अपना उन्हें अपना पेंद्या गड्डी मारी साढ़े ते बाद चो खलोते वह डंडे मार डे पे एक बंदे ने उतों पिस्टल कढ़िया तो उन्हें सारे फैर कढ़ते एक पिस्ट एक फैर ये लाते मार नहीं सानू भाई कुछ नहीं पता बाकी लोग दो गड्डिया हैं पता नहीं जी इन्ना ही अपने राह जाते हमने कोई 10-15 मिनट पहला मैंने पता लग्या कि इतने कोई बाहर फायर इंजरी हुई है एक इंजर्ड है अपना इन्हों चो शिंकी ना का लड़का जिसे गोडे के लागे इंजरी है बाकी अंदर इन्वेस्टिगेशन करके फिर तुम दस जी आस पास के लोगों को पता लगा एक डस्टर गड्डी तो दो जने वेखे गए कोई इन्हें आपस जो इंजर्ड है उन्होंने शायद कहें भी आइडेंटीफाई करता इन्होंने बाकी मैं तुम्हें वेरीफाई करके दस